जिले में एक सप्ताह से पड़ रही भीषण गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मंगलवार को प्रयागराज का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इतनी भीषण गर्मी में आम जनमानस के साथ साथ पशु पक्षियों का भी बुरा हाल है। दिन में आसमान से बरस रही आग के कारण काम धंधे चौपट हो रहे हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। जिले में तेज गर्मी को देखते हुए हीट वेव या लू से बचाव एवं स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इससे बचाव करने के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। इससे पहले प्रयागराज के इतिहास का सर्वाधिक गर्म दिन का रिकॉर्ड 30 मई 2019 के नाम है, जब अधिकतम तापमान 48.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। मौसम विभाग की माने तो गर्मी का प्रकोप अभी जारी रहेगा और बुधवार को भी ऐसे ही हालात बने रह सकते हैं। हालांकि अगले 3 से 4 दिनों में मामूली राहत की उम्मीद है, पर गर्म हवाओं का प्रकोप जून के पहले सप्ताह तक बना रहेगा। भीषण गर्मी, गर्म हवा व लू के प्रकोप से बचाव हेतु संबंधित विभागों को जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इस भीषण गर्मी, गर्म हवा व लू से अपना बचाव कैसे करें तथा सुरक्षित कैसे रहें। गर्म हवाओं से बचने के लिए खिड़की को रिफ्लेक्टर जैसे एल्यूमिनियम पन्नी, गत्ते इत्यादि से ढककर रखें, ताकि बाहर की गर्मी को अंदर आने से रोका जा सके। उन खिड़कियों व दरवाजों पर जिनसे दोपहर के समय गर्म हवाएं आती हैं, काले पर्दे लगाकर रखना चाहिए। स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान को सुने और आगामी तापमान में होने वाले परिवर्तन के प्रति सजग रहें। आपात स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण लें। बच्चों तथा पालतू जानवरों को कभी भी बंद वाहन में अकेला न छोड़ें। जहां तक संभव हो घर में ही रहें तथा सूर्य के ताप से बचें। सूर्य के ताप से बचने के लिए जहां तक संभव हो घर की निचली मंजिल पर रहें। संतुलित, हल्का व नियमित भोजन करें और बासी खाने का प्रयोग कदापि न करें और मादक पेय पदार्थों का सेवन न करें। घर से बाहर अपने शरीर व सिर को कपड़े या टोपी से ढककर रखें। घर में पेय पदार्थ जैसे लस्सी, छाछ, मट्ठा, बेल का शरबत, नमक चीनी का घोल, नींबू पानी या आम का पना इत्यादि का प्रयोग करें। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार जून के मध्य अधिक तापमान रहने की संभावना है। ऐसे में लोगों को हीटवेव से बचाव के लिए आवश्यक तैयारियां कर लेनी चाहिए। हीटवेव से बचाव को लेकर जनसामान्य के बीच जागरूकता अभियान स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। जब वातावरण का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 3-4 डिग्री अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव या लू कहते हैं। अभी आगे गर्मी का प्रकोप और बढ़ेगा, इसलिए गर्मी से बचाव के लिए विभिन्न उपायों को अपनाना चाहिए। स्टूडेंट, हम लोग की लाइफ के लिए तो बिल्कुल ही बहुत इस समय समझ लीजिए जितने प्लांटेशन रिजर्व कट गए हैं, प्लांट कटने की वजह से और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है, हम लोग काफ़ी दिक्कत है। हम लोग को अब जैसे निकलना है पढ़ाई के लिए, क्लासेस के लिए, हम लोग को दिन के समय रहता है, तो ये तो हम लोग के लिए बड़ी नुकसानदेह गर्मी की वजह से और हम लोग को दिक्कतें होती हैं। हम सोचते हैं कितना ज़्यादा हम लोग बच सकें इससे, तो सोचते हैं लोग कम से कम, लेकिन क्लासेस की वजह से हम लोग धूप में ही स्ट्रगल करना पड़ता है। इस वजह से क्या परेशानी आ रही है धूप में? धूप में हर चीज़ की परेशानी है। कि अब हम लोग जैसे ऑटो जा रहे हैं, ऑटो में भी तो हम लोग नहीं जा सकते, गर्मी रहती है, ऑटो पूरा गर्म रहता है। बाहर कहीं गए, अगर ई रिक्शा से आ रहे हैं, खुद का साधन भी नहीं है, गर्मी की वजह से लू चल रही है, तो हर जगह से दिक्कत है। बिजली कटौती इसमें बहुत ज़्यादा समस्या है। सब लोग हाँ मानते हैं कि कटौती गलत नहीं हो रही है, लेकिन कटौती इसलिए हो रही है, सब कटिया मारना शुरू कर देते हैं। नॉर्मल इंसान है वो नॉर्मल से ज़्यादा अपनी पावर लेके घर में बैठा हुआ है, भाई जाहिर सी बात है कटौती तो होगी।